एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते लोगों को ढेरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में लगातार हो रही बारिश की वजह से पुरानी इमारतें गिरने और जलभराव की समस्या में कमी लाने के लिए प्रशासन बिल्कुल असफल दिखाई दे रहा है। वहीं राजधानी में सुबह से 3 इमारतें गिरने के बाद कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक अपने क्षेत्र में 7 मॉल एवेन्यू में पहुंचे और वहां उन्होंने बारिश की वजह से लोगों को हो रही दिक्कत जानने के बाद जल्दी ही समस्याओं का निपटारा करने का वादा भी किया है। एक और जहां बारिश की वजह से लोगों को समस्या हो रही है तो वहीं इसका निपटारा करने में प्रशासन असफल दिखाई दे रहा है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने क्षेत्र के लोगों से बरसात की वजह से हो रही समस्याएं जल्दी ही निपटाने का वादा किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोगों ने बताया कि उनको बारिश की वजह से कौन कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। लोगों से उनकी समस्याएं सुनने के बाद समस्याओं के निपटारे के भी निर्देश दे दिए गए हैं और जो सड़कें और फुटपाथ धस गए हैं उनको भी जल्द ठीक कराने का आदेश दिया गया है। साथ ही लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की भी बात उन्होंने कही है। वहीं जब ब्रजेश पाठक से आज सुबह राजधानी में गिरी 3 इमारतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो जर्जर इमारतें हैं उनको चिन्हित करके संबंधित विभाग को आदेश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के इंजीनियर क्षेत्र का सर्वे करके रिपोर्ट देंगे जिसके बाद वहाँ के लोगों को इमारतों से दूर हटाया जाएगा और जल्दी ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि एक और जहाँ लगातार बारिश हो रही है और लोगों को तमाम समस्याएँ आ रही हैं इनका निपटारा करने में प्रशासन को कितनी सफलता मिल पाती है, तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने जो वादे किए हैं वो कब तक पूरे होंगे। जी, आज अपने विधानसभा क्षेत्र के माल एवेन्यू इलाके में जो बरसात से लोगों को परेशानी हुई है और जो सड़कें अभी बननी हैं उनके लिए हम लोग देखने के लिए आए हैं क्या क्या काम अधूरा रह गया है और कौन कौन से काम किए जाने हैं। और हमारे जो साथी हैं उनके क्षेत्र के लोगों की क्या दिक्कतें हैं उनको हम सुनने के लिए आए हैं और उनकी परेशानियों को हल निकालने के लिए। सर, बारिश में सर जगह जगह इंटरलॉक जल भरा हो रहा है और उसकी वजह से आज समझ 2-3 मकाने गिर गए, जो पुराने मकाने थे वो मकाने गिरे, तो उस पर आप इसी संबंध में हम आए हैं। अगर कोई जीर्ण सी हालत में मकान है तो उसकी भी हम नगर निगम के माध्यम से कैसे उसको हम हटा सकते हैं और कैसे हम अपने मकानों को अपने गलियों को बचा सकते हैं कि समय से पानी निकल जाए जिससे हमारे नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो। जर्जर मकानों को लेके क्या है? जर्जर मकान जो हमारे हैं उनके लिए हम नगर निगम के माध्यम से उनकी जांच कराकर अगर गिरने लायक है तो उसे सरकारी आदेश से गिरा करके और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएंगे।